हेलो माय डियर स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर चैप्टर नंबर थर्टीन पम्पकिन ट्रीज एंड वॉलनट वाइन्स कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है आपको पम्पकिन ट्रीज एंड वॉलनट वाइन्स क्यों अजीब सा क्या आपने कभी पम्पकिन को ट्रीज पर पेड़ों पर उगते देखा है मोस्टली जो होते हैं पम्पकिन जितने भी पम्पकिन हैं वो कहाँ लगते हैं नीचे ज़मीन पर लगते हैं क्रीपर्स में है ना और वॉलनट वाइन्स और जो वॉलनट होता है वॉलनट का मतलब होता है अखरोट और ये जो अखरे अखरोट होता है वॉलनट होता है ये हमेशा पेड़ों पर ग्रो करता है और पम्पकिन जो है पम्पकिन मीन्स कद्दू वो हमेशा कहाँ ग्रो करता है नीचे जो क्रीपर्स होती हैं बेल होती हैं उनमें ग्रो करता है तो हमारा ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर थर्टीन इसका नाम है पम्पकिन ट्रीज एंड वॉलनट वाइन्स चलिए लेट्स स्टार्ट द चैप्टर गेटिंग started. लुक अराउंड योर सराउंडिंग्स आप अपने चारों तरफ देखिए इज there एनी थिंग दैट यू वुड वॉन्ट टू चेंज और वाई क्या आपके आजू बाजू या आप, आपकी सराउंडिंग्स में ऐसी कोई चीज़ है जो कि आप चेंज करना चाहते हैं और क्यों कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था ये पेड़ ऐसा नहीं हो के दूसरी तरीके से होना चाहिए था तो ज़्यादा अच्छा होता तो इस तरीके के कई बार थाट हमें आते हैं चल स्टार्ट द chapter okay pele what you have to do first you have to read the chapter with me after that i will explain the whole chapter Chale, let's start the reading one summer afternoon nasridin hudza was feeling hot and tired he sat under a walnut tree to rest taking his turban off he let the breeze cool his head he then picked up a pumpkin leaf from a vine creeping near the tree and fanned himself with it. Suddenly, an idea struck him. In the second paragraph, such a silly tree, he said to himself, Just look at your size. You rise up so proud and high. But what do you bear? Just some tiny walnuts. And look at your poor neighbor, the pumpkin vine. It lies on the ground bearing such huge pumpkins. The more he thought about it, the funnier Hoodza thought it was. Why would little walnuts grow on a huge tree and huge pumpkins grow on a frail vine? Now, if I had been planning it, Said the Hoodza to himself, it would have been very different. The big pumpkins would be hanging from the strong branches of this big tree. The little walnuts could cling without any trouble to the vine. The vine might even hold up its head a little if it had something smaller on it. In the next paragraph, while the Hoodza was busy planning, a strong breeze blew, and the branches above his head swayed. Yes, he went on. If I had been planning the trees and the vines you. The hudza never finished his sentence. A branch high above cracked, and a walnut fell all the way down, hitting the hudza on his bare, bald head. Ouch! He picked up the walnut, small but hard, and realized what had happened. I am such a fool to think that pumpkins should grow on trees and walnuts on vines. If it had been a pumpkin that fell from that tree onto my poor head, rubbing his head, the hootzer sat under the walnut tree.

जो आ, बेल होती है उसको बोला जाता है जिसकी वुडी स्टैम्प होती है क्लिंग का मतलब होता है टू होल्ड ऑन टाइटली किसी भी चीज़ को टाइटली पकड़ना होल्ड करना और बाल्ट का मतलब होता है हैविंग लेस और नो हेयर ऑन द स्कल्प मतलब सिर्फ एक भी बाल नहीं होना गंजा ठीक है और स्वेव का मतलब होता है टू मूव स्लोली चलिए लेट स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर वन समर आफ्टरनून न हुजा वॉज़ फीलिंग हॉट एंड टायर्ड एक गर्मियों की दोपहर की बात है समर मतलब गर्मियों का दिन था गर्मियों का समय था और उस समय दोपहर को एक ओल्ड मैन थे जिसका नाम था नसरुद्दीन हुट्जा उन्हें बहुत वॉज़ फीलिंग हॉट एंड टायर्ड वो उन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और वो बहुत ज़्यादा टायर्ड थे टायर्ड मतलब थके हुए थे ही सेट अंडर अ वॉलट ट्री टू रेस्ट तो उन्होंने क्या किया ये जो वॉलट ट्री है इसके नीचे जाकर बैठ गए ताकि वो थोड़ी देर रेस्ट कर सके टेकिंग हिज टर्बन ऑफ ही लेट द ब्री स्कूल हिज हैड और उन्होंने क्या किया अपने सिर पे से यहाँ पर लोकेट दिस पिक्चर अपने सिर पे से इस टर्बन को टर्बन मतलब अपनी पगड़ी को निकाल के साइड में रख दिया ताकि उनके जो सिर पे पसीना है वो हवा से ठंडी ठंडी हवा से सूख जाए और उन्हें काफ़ी अब उनका जो हेड है वो काफ़ी ठंडा फील हो ठीक है टेकिंग हिज टर्बन ऑफ ही लेट द ब्रीज कूल हिज हेड अब उन्होंने अपनी पगड़ी इसलिए उतार दी थी ताकि हवा से उनका जो सिर है वो ठंडा हो जाए ही देन पिकड अप अ पम्पकिन लीफ फ्रॉम अ वाइन क्रीपिंग नियर द ट्री एंड फेंड हिमसेल्फ इट और उन्होंने क्या किया इस ट्री देखो लुक पहले पिक्चर देखते हैं हम पिक्चर में देखो एक वॉलट का ट्री है ये देखो ये जो ट्री है ये किसका है वॉलनट का वॉलनट मीन्स अखरोट का ट्री है और इस ट्री के नीचे ये ओल्ड मैन बैठे हैं जिनका नाम क्या है नसरुद्दीन हुट्सा और इन्होंने क्या किया जब रेस्ट करने के और ये क्यों बैठे थे क्योंकि गर्मियों के दिन थी गर्मियों की दोपहर थी और वो कहीं जा रहे थे तो उन्हें बहुत गर्मी लग रही थी और बहुत ज़्यादा वो थक गए थे तो इसलिए वो क्या किए पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और उन्होंने अपनी जो टर्बन थी पगड़ी थी उसको अपने सिर से उतार कर नीचे रख दी ताकि उनका सिर हवा से ठंडा हो सके और जहाँ पर वो बैठे थे पेड़ के नीचे वहाँ पर बहुत सारे कद्दू जो पम्पकिन हैं उसकी बेल लगी हुई थी और बहुत सारे बड़े बड़े पम्पकिन जो हैं उसमें ग्रो किए हुए थे तो उन्होंने क्या किया कि उस पम्पकिन की जो बेल थी वाइन वाइन मतलब बेल उस पम्पकिन की वाइन से एक पत्ती तोड़ी एक लीफ तोड़ी और उससे अपने आप को फैन करने लगा लुक एट दिस पिक्चर यहाँ पर देखिए ये पम्पकिन की लीफ है और ये क्या है बड़े बड़े ह्यूज पम्पकिन हैं, ठीक है और ये टर्बन है ये टर्बन टर्बन मतलब पगड़ी क्लियर चलिए अब आगे क्या है स्टोरी तो यहाँ पर देखो टेकिंग हिज टर्बन ऑफ ही लेट द ब्रीज कूल हिज हेड अब उन्होंने अपनी टर्बन नीचे निकाल के रख दी थी ताकि उन्हें ठंडी ठंडी हवा आए और उनका जो सर है वो ठंडा हो जाए ही देन पिकड अप अ पम्पकिन लीव और उन्होंने फिर क्या कि एक पम्पकिन लीव को निकाला उस बेल में से वाइन मतलब बेल ठीक है और उससे अपने आप को फैन करने लगे फैंट करने लगे फैन का मतलब अपने उस पत्ती से हवा करने लगी सडनली एन आइडिया स्ट्रक हिम और अचानक उनके दिमाग में एक आइडिया आया सच अ सिली ट्री ही सेट टू हिमसेल्फ और वो अपने आप में ही बातें करने लगे और उन्होंने इस वॉलट ट्री को बोला कि ये बहुत ही ज़्यादा बुद्धू है सिली ट्री है जस्ट लुक एट योर साइज अब अब उन्होंने अपने आप ही बात करे थे कि इस पेड़ को देखो इस पेड़ का कितना बड़ा साइज़ है यू राइज अप सो प्राउड एंड हाई और तुम ऊपर तक च, कितने अच्छे से ग्रो किए हुए हो और तुम्हें प्राउड होता होगा अपनी हाइट पर बट वॉट डू यू बियर पर तुम्हारे इतने बड़े पेड़ पर क्या लगा हुआ है क्या उगा हुआ है बियर मतलब क्या फला हुआ है क्या फला हुआ था छोटे छोटे से वॉलट जस्ट समाइनी वॉलट्स मतलब तुम्हारे तुम इतने बड़े हो अपना साइज देखो तुम इतने बड़े हो इतना प्राउड फील होता होगा कि तुम इतने बड़े ट्री हो कितने लोगों को तुम छाँव देते हो है ना तो उन्होंने अपने आप से बात कर रहे थे और ट्री को बोल रहे थे कि यू आर अ सिली ट्री तुम एक सिली ट्री हो बेवकूफ ट्री हो तुम अपने साइज को देखो तुम्हारा साइज़ कितना बड़ा है और तुम कितने ऊंचे हो राइज अप मतलब बहुत ऊंचाई तक तुम गए तुम्हारी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है और तुम्हें अपने आप पर बहुत प्राउड फील होता होगा कि मैं इतना बड़ा हूँ पर तुम ये देखो कि तुम्हारे अंदर तुम इतने बड़े हो फिर भी तुम्हारे अंदर कितने छोटे छोटे वॉलट उगे हुए मतलब जो तुम्हारी पत्तियां हैं उसमें उस पेड़ पर छोटे छोटे वॉलनट ग्रो हुए हैं जबकि तुम इतने बड़े हो तो तुम्हारे में फ्रूट्स भी बड़े होने चाहिए थे उनका बोलने का ये मतलब था ठीक है एंड लुक एट योर पुअर नेबर और उन उन्होंने बोला नसदिन ने ट्री को कि तुम अपने नेबर को देखो पुअर नेबर मतलब इस बेचारे नेबर को देखो पड़ोसी को देखो द पम्पकिन वाइन किस नेबर को देखो इस पंपकिन वाइन को मतलब ये पंपकिन की बेल को देखो इट लाइज ऑन द ग्राउंड ये तो ज्यादा बड़ी भी नहीं हुई ये पूरी तरीके से जमीन पे फैली हुई है बियरिंग सच ह्यूज पंपकिस और नीचे जमीन में फैली हुई है फिर भी इसमें कितने बड़े बड़े ह्यूज पंपकिन्स ग्रो किए हैं द मोर ही थाट अबाउट इट द फनियर हुट इट वॉस जितना ज्यादा वो इसके बारे में सोच रहे थे उनको उतनी ज़्यादा हंसी आ रही थी वाई वुड लिटल वॉलट्स ग्रो ऑन अ ह्यूज ट्री एंड ह्यूज पम्पकिनस ग्रो ऑन अ फ्रेल वाइन और वो अपने आप ही ये सोच रहे थे कि ये जो छोटे छोटे वॉलट्स हैं क्यों ये इतने बड़े ट्री पर ग्रो किए और ये जो बड़े ह्यूज पम्पकिन हैं ये क्यों उस पतली और वीक बेल पर ग्रो किए मतलब उनको ये दुख हो रहा था कि ये जो पम्पकिन है इतना बड़ा साइज़ है और पेड़ भी बहुत बड़ा है तो ये पम्पकिन कहाँ ग्रो होने चाहिए उस पेड़ पर ग्रो होने चाहिए थे और वो जो वॉलनट बहुत छोटे छोटे हैं वो कहाँ ग्रो होने चाहिए नीचे ज़मीन पे ग्रो करने चाहिए थे ठीक है नाउ इफ आई हैड बीन प्लानिंग इट सेट द हुज़ा टू हिमसेल्फ इट वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट तो अब अपने आप ही हुआ जो ओल्ड मैन थे वो अपने आप ही बात कर रहे थे और वो ये बोल रहे थे कि अगर मैं कुछ प्लानिंग करता तो ये एकदम डिफरेंट होता कैसे डिफरेंट होता द बिग पम्पकिंस वुड बी हैंगिंग फ्राम द स्ट्रॉन्ग ब्रांचेज ऑफ द बिग ट्री अब उन्होंने सोचा अगर मैं ऐसी प्लानिंग करता तो मैं क्या करता ये बड़े बड़े पम्पकिंस इस पेड़ पर ग्रो करते जैसे यहाँ पर ग्रो कर रहे लुक एट दिस पिक्चर और जो छोटे छोटे वॉलट्स हैं वो इस बेल पर ग्रो करते समझ में आया तो वो अपने आप से ये बात कर रहे हैं कि अगर मेरे हाथ में होता तो मैं ये चाहता कि ये जो बड़े बड़े पम्पकिंस हैं ये इस ट्री के जो स्ट्रोंग ब्रांचेस हैं उसमें ग्रो करें और ये जो छोटे वॉलट्स हैं ये इस वाइन पर वाइन मतलब इस बेल में ग्रो करें चलिए द बिग पम्पकिंस वुड बी हैंगिंग फ्रॉम द स्ट्रॉग ब्रांचेज ऑफ ऑफ दिस बिग ट्री मतलब ये मैं चाहता मैं अगर मेरे बोलने से ये चीज़ होती मैं अगर इस ये कर सकता तो मैं क्या करता मैं बड़े बड़े पम्पकिस को इस ट्री के स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस पे ग्रो करता एंड द लिटिल वॉलट्स कुड क्लिंग विदाउट एनी ट्रबल टू द वाइन और ये जो लिटिल वॉलट्स हैं ये कहाँ ग्रो करते इस वाइन में इस बेल में ग्रो करते द वाइन माइट इवन होल्ड अप इट्स हेड अ लिटिल इफ इट हैड समथिंग स्मॉलर ऑन इट और ये जो वाइन है ये जो बेल है ये इन्हें आसानी से होल्ड कर पाती क्यों होल्ड कर पाती क्योंकि इनका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा था स्मॉलर था ठीक है चलिए अब नेक्स्ट पेज वाइल द हुडजर वॉज़ बिजी प्लानिंग अ स्ट्रॉन्ग ब्रीज ब्लू जब हुड्ज़ा जो थे ओल्ड मैन जो थे हुडजा वो ये सारी बातें सोच रहे थे प्लानिंग करने में बिजी थे अस्ट्रॉन्ग ब्रीज ब्लू स्ट्रॉन्ग ब्रीज ब्लू मतलब एक बहुत तेज हवा का झोंका आया एंड द ब्रांचेस अबव हिज हैड स्वेट और ऊपर जो ब्रांचेस थी, उनके सिर के ऊपर जो पेड़ में जो ब्रांचेस थी वो बहुत तेजी से मूव करने लगी यस ही वेंट ऑन और वो अपने अपनी बातों में ही आगे बातें करने लगे कि यस ही वेंट ऑन इफ आई हैड बीन प्लानिंग द ट्रीज एंड द वाइन्स यू वो जैसे ही सोच रहे थे कि हाँ अगर ऐसा होता तो कितना अच्छा होता और मैं ये ट्रीज़ और वाइन के लिए प्लानिंग करता मतलब ये ट्री और बेल के लिए प्लानिंग करता द हुडर नेवर फिनिश्ड हिज सेंटेंस पर वो अपना सेंटेंस पूरा नहीं कर पाए अ ब्रांच हाई अबाउ अ एंडनेट फेल ऑल द वे डाउन हिटिंग द हुडा ऑन हिज़ बेयर हेड और जैसे ही वो ये सेंटेंस बोल रहे थे फिनिश नहीं कर पाए अचानक क्या हुआ उनके सिर के ऊपर जो ब्रांचेस थी उस ट्री की वो क्रैक हो गई मतलब क्रैक मतलब टूट गई और उसमें से जो वॉलनट था वो नीचे गिर गया उनके हुडा के बेयर बाल्ड हेड पर बेयर हेड का मतलब उस सिर पर उनके सिर पर एक भी बाल नहीं थे मतलब वो गंजे थे और उस पर हुडजा के सिर पर वो वॉलेट जाके लगा बहुत तेजी से आउच ही पिकड अब द वॉलट स्मॉल बट हार्ड एंड रियलाइज वॉट हैड हैप्प और जैसे ही उनके सर पर वॉलट जाकर गिरा उन्होंने तुरंत बोला आउच क्यों क्योंकि वॉलट पत्थर की तरह हार्ड होता है तो जैसे ही उनके सिर पर लगा सिर पर बाल भी नहीं थे तो उनको बहुत चोट लगी तो उन्होंने बोला आउच और उन्होंने तुरंत उस वॉलट को उठाया ही पिकड अब द वॉलट वो स्मॉल था जो वॉलट था वो बहुत छोटा सा था बट हार्ड पर उसकी जो आउटर कवरिंग थी वो कैसी थी बहुत ज़्यादा हार्ड थी एंड रियलाइज्ड और तब उनको रियलाइज़ हुआ कि क्या हुआ मतलब क्या रियलाइज़ हुआ कि वॉलट ऊपर से गिरकर उनके सिर पर लग गया जिसकी वजह से उन्हें चोट लगी आई एम सच अ फूल टू थिंक दैट पम्पकिन शुड ग्रो ऑन ट्रीज एंड वॉलट्स ऑन वाइन्स और अब उन्होंने सोचा कि मैं बहुत बड़ा फूल हूँ मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूँ या बेवकूफ़ हूँ जो मैं ऐसा सोच रहा था कि पम्पकिन को उस ट्री पर ग्रो होना चाहिए था मतलब बड़े बड़े पम्पकिन को उस बड़े से ह्यूज ट्री पर ग्रो होना चाहिए था और जो वॉलट है उसको वाइन्स पर बेल पर ग्रो होना चाहिए था ठीक है इफ़ इट हैड बीन अ पम्पकिन दैट फेल फ्रॉम द दैट ट्री ऑन टू माई पुअर हैड अब उन्होंने सोचा हुडजा ने कि अच्छा हुआ वो छोटा सा वॉलनेट था अगर वहाँ बड़ा सा पम्पकिन लगा होता उस पेड़ पर बड़ा सा पम्पकिन लगा होता और हवा से वो मेरे सिर पर गिर जाता तो मेरे सिर पर बहुत ज़्यादा चोट आ जाती रबिंग हिज हैड द हुटा सेट अंडर द वॉलट ट्री और फिर उन्होंने अपने हेड को जहाँ पर वो वॉलट गिरा था उसको रब किया और वॉलट ट्री के नीचे वो बैठे हुए थे द ब्यूटीफुल गोल्डन पम्पकिंस लुक्ड ग्रेसफुल ऑन देअर वाइन्स और अब उन्होंने सोचा कि ये जो ब्यूटीफुल गोल्डन पम्पकिंस गोल्डन कलर के जो पम्पकिस लगे हुए हैं वाइन्स में वाइन्स मतलब उन बेलों पर वो वहीं पर सुंदर दिख रहे हैं द टाइनी वॉलट्स वेड ऑन द ब्रांचेज ऑफ द ट्री और ये जो टाइनी वॉलट्स हैं मतलब छोटे छोटे जो वॉलट हैं अखरूट हैं वो इस बड़े से ट्री पर ही अच्छे दिख रहे हैं ब्रांचेस में स्वे करते हुए हिलते हुए मूव करते हुए वेरी सिंगल थिंग वॉज वेयर इट शुड बी मतलब अब उनको ये समझ में आया है कि जो भी चीज़ें हमारे इस वर्ल्ड में बनाई गई हैं वो सब परफेक्टली फाइन है मतलब वो एकदम सही बनाई गई हैं वो कहीं से भी कोई चीज़ गलत नहीं है क्योंकि सब चीज़ों के अपने फ़ायदे होते हैं और अपने नुकसान होते हैं इसलिए उन्होंने सोचा कि जो कुछ भी जैसा है उसको वैसा ही रहना चाहिए ठीक है नाव वर्ड्स टू नो फर्स्ट इज़ टर्बन टर्बन का मतलब होता है पगड़ी या फिर अ मैनस हेड कवरिंग जो भी मैन होते हैं वो अपने सिर के ऊपर जो कवरिंग लगाते हैं जैसे पगड़ी लगाते हैं उसे हम टर्बन बोलते हैं और ये टर्बन आपने देखा होगा जितने भी पंजाबीज होते हैं वो टर्बन बांधते हैं ठीक है सेकेंड इज वाइन वाइन का मतलब होता है अ क्लाइंबिंग वुडी स्टैम्प्ड प्लांट मतलब जो आ, बेल होती है जिसमें जो स्टैम होती है वो वुडी होती है पर वो कहीं पर भी नीचे अर्थ पर ग्रो करती है उसे वाइन बोला जाता है क्लिंग क्लिंग का मतलब होता है टू होल्ड ऑन टाइटली मतलब किसी भी चीज़ को बहुत टाइटली पकड़ना bald bald का मतलब हैविंग लेस एंड नो हेयर ऑन द scalp मतलब ऐसा सिर में या स्कैल्प में कोई भी बिल्कुल भी हेयर नहीं होना गंजा होना उसको हम बोलते हैं bald ठीक है sweat sweat का मतलब होता है टू मूव स्लोली धीरे धीरे मूव करना चलिए अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट A is take the correct answers. First is Nasraddin Hudza sat under a walnut tree. A walnut. ठीक है? Now second is Nasraddin Hudza sat under the tree to rest. क्या करने बैठे थे वो rest करने. Third is a dash fell on the Hudza's head. तो क्या गिरा था उनके सिर पर pumpkin या walnut? तो B आएगा walnut. नाउ बी एक्सरसाइज बैट द वर्ड्स एज दे अपियर इन द स्टोरी फर्स्ट फ्रेल फ्रेल का क्या होगा बी वाइन सेकेंड लिटिल लिटिल का होगा लिटिल वॉलट वॉलट्स तो ई आएगा सेकेंड का ई थर्ड स्ट्रॉन्ग स्ट्रोंग का आएगा ब्रीज डी फोर्थ बाल्ड बाल्ड का आएगा ए हेड फिफ्थ गोल्डन गोल्डन का आएगा सी पंपकिन ठीक है चलिए फिल इन द ब्लैंक्स First is Nasriddin Hudza fanned himself with a pumpkin leaf. Second is he thought that the walnut tree was silly. Third is the pumpkins were huge in size. Fourth is he planned to grow the walnuts on a vine. Okay? Question answers may aapko PDF me Now playing with words. फिल इन द डब फिल इन डबल लेटर्स एंड कंप्लीट द वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी फर्स्ट में आएगा एस यू डबल एम ई आर समर सेकेंड में आएगा आफ्टर नून ए एफ टी ई आर एन डबल ओ एन आफ्टर नून थर्ड में आएगा क्रीपिंग क्रीपिंग में क्या होगा सी आर डबल ई पी आई एन जी क्रीपिंग फोर्थ है सिली एस आई डबल एल वाई सिली फिफ्थ पुअर पी डबल ओ आर पुअर ओके सिक्स में आएगा डिफरेंट डी आई डबल एफ ई आर ई एन टी डिफरेंट नाव बी एज यूज कैपिटल लेटर्स फुल स्टॉप्स एंड क्वेश्चन मार्क्स इन डी सेंटेंसेस तो देखो आपको मैंने पहले भी बताया है कि ऑलवेज द नेम शुड बी इन कैपिटल लेटर जो नेम्स होते हैं किसी भी सिटी के कंट्री के पर्सन के उन्हें हम हमेशा किस में लिखते हैं कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं ठीक है और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस वी हैव टू पुट अ फुल स्टॉप कभी भी सेंटेंस के एंड में हमें क्या करना चाहिए फुल स्टॉप लगाना चाहिए अगर वो सिंपल सेंटेंस है या असर्टिव सेंटेंस है अगर क्वेश्चन वाला सेंटेंस है क्वेश्चन सेंटेंस है तो हमें क्या लगाना चाहिए वहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए लगाना चाहिए ठीक है चलिए फर्स्ट है रवि मेड अ स्नोमैन तो यहाँ पर क्या गड़बड़ है यहाँ पर रवि का जो नाम है वो कैपिटल से शुरू होगा रवि आर ए वी आई रवि मेड अ स्नोमैन आफ्टर दैट फुल स्टॉप ठीक है सेकेंड इज इज दिस अ पम्पकिन और अ वॉटर ये एक क्वेश्चन है तो यहाँ पर भी इज किस से होगा कैपिटल से लिखा जाएगा इज दिस अ पम्पकिन और अ वाटर आई कैपिटल लिख के आई के बाद इज एस स्मॉल फिर पूरा सेंटेंस वैसे ही लिखा जाएगा और आफ्टर दैट यू हैव टू पुट अ क्वेश्चन मार्क देय ठीक है थर्ड इज मीना एंड राहुल आर रेस्टिंग अंडर द ट्री यहाँ पर मीना का एम क्या होगा कैपिटल में होगा बाकी पूरा सेम सेंटेंस वैसे ही लिखना है बस लास्ट में आपको क्या करना है फुल स्टॉप लगाना ठीक है अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैं वापस से बता रही हूँ यहाँ पर आर जो है आर कैपिटल हो जाएगा और ये हो जाएगा रवि आर ए वी आई रवि यहाँ पर इज होगा तो इसका आएगा आई आए। कैपिटल और एस इज और लास्ट में क्वेश्चन मार्क यहाँ पर एम कैपिटल आएगा मीना एंड राहुल आर रेस्टिंग अंडर द ट्री उसके बाद फुल स्टॉप ठीक है शर्मिला इज माय नेबर तो यहाँ पर एस कैपिटल आएगा यहाँ का और शर्मिला इज माय नेबर के बाद यहाँ फुल स्टॉप ठीक है डज मोहन हैव अ बाल्ड हेड तो यहाँ पर डी कैपिटल आएगा और मोहन का एम कैपिटल आएगा और आफ्टर दैट यू हैव टू पुट क्वेश्चन मार्क दिया क्लियर हुआ चलिए अब उसके बाद हमें करना है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फर्स्ट है आई वॉन्ट डैश वन या वन पिज़्ज़ा स्लाइस प्लीज तो यहाँ क्या आएगा वन आएगा आई वॉन्ट वन पिज़्ज़ा स्लाइस प्लीज़ सेकेंड है स्विच ऑफ़ ओ एफ या ओ डबल एफ़ तो हम यहाँ पर किसी भी फ़ैन बटनस वगैरह के लिए यूज़ करते हैं ओ डबल एफ़ स्विच ऑफ़ द फैन टू और टू टू मीन्स नंबर ठीक है तो टू गर्ल्स आर एबसेंट टू नेक्स्ट इज द विंड ब्लू स्ट्रांगली नॉट ब्लू बी एल ई डब्ल्यू आएगा फिफ्थ इज द बीयर इज अ बिग ब्राउन वाइल्ड एनिमल्स एनिमल ठीक है यहाँ तक हो गया आपका चलिए दैट्स ऑल दिस चैप्टर हैज़ बिन फिनिश्ड